स्पॉन्टेनियस लर्निंग अब ये स्पॉन्टेटी को जो उन्होंने थेरी दी कि स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए अपने एक्शंस में अपने प्रोडक्शन में यानी कॉस्ट के ऊपर मैंने क्या डिसीजन लेना है प्रोडक्शन में मैंने क्या डिसीजन लेना है अच्छा करजेरी थेरी के अंदर ये था कि आप किसी भी एरिया में अंदर स्पॉन्टेनिटी को अपनी स्पॉन्टेनियस लर्निंग को कैसे ला सकते हैं यानी अपनी आपकी साइकोलॉजी आपकी सोशोलॉजी आपकी बिहेवियर वो आपस में सिंक्रोनाइज होकर एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो पीटर ड्रकर साहब ने इसी को मिक्स एंड मैच के अंदर ऐसा डेवलप किया कि वो स्पेसिफिकली देखते हैं कि उस को कॉस्ट में कैसे लेकर आना है प्रोडक्शन में कैसे लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन हेरार्की में कैसे लेकर आना है मैनेजमेंट में कैसे लेकर आना है ह्यूमन रिसोर्स में कैसे लेकर आना ले है आपकी हरार्किकल मॉडल में कैसे लेकर आना है यानी आपका फंक्शनल मॉडल है आपकी ऑपरेशन है लेकिन स्ट्रेटेजिक के अंदर जो ओनर्स हैं यानी सी लेवल मैनेजमेंट जो है वो आपकी मैनेजर लेवल के साथ कैसे डेवलप करेगी और जो वो अपने के साथ कैसे करें? काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरशिप पर बात कर अब अगर यहाँ देखें तो व्यू को मैं देखता हूँ और मैं लाइन बाई लाइन आपके साथ चलना द दिन ऑलवेज सर्च फॉर चेंज रिस्पॉन्ड टू इट मिले समझ लें वहां चेंज नहीं और जहां रजिस्टेंस होगी वहां चेंज होगी और जहां चेंज होगा वहां रजिस्टेंस आएगा जैसे ही आपने रेजिस्टेंस के कोड को खोल दिया इसको साइकोलॉजी के अंदर देखें तो जो भी आपकी को, कोडिफिकेशन होती है वो एक लॉक होती है मैं साइकोलॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं सीधे हाथ से कहता हूँ कि आप कोई स्टेटमेंट लिखिए मैं आपको अभी सिर्फ ये कहूँगा कि एक नाम लिखिए आप नाम लिखिए अपना आपको मैं सीधे हाथ से एक कमांड दे रहा हूँ और आप अपना नाम लिख देते हैं आपने नाम तेजी से लिख दिया अच्छा इसके लिए आपको कितना सोचना पड़ा यानी आपका एक बॉडी है आपका ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है एक साइकोलॉजी है, है आपका आपका माइंड है आपकी जो है बिहेवियर है रिपल्सिव बिहेवियर है आपने फौरी तौर पर लिख दिया आपको कोई परेशानी नहीं हुई रेजिस्टेंस नहीं हुई यानी जब से आप पैदा हुए थे आप राइट हाथ से लिख रहे थे आपने राइट हाथ से लिख दिया या अगर आप बचपन से लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और मैंने आपको कहा कि आप लेफ्ट आप कोई चीज लिखें तो आप फौरी लेफ्ट हैंड से लिखेंगे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि आप राइट हैंड से लिखें तीस या सत्तर की क्लास हो और मैं कहूँ कि सब लोग लिखें तो मुझसे कोई ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा और पूछेगा भी नहीं और कमांड भी नहीं लेगा और वो जल्दी से अपना नाम लिख ले जैसे ही वो सब लोग नाम लिख लेंगे तो और कहेंगे हमने वी आर डन अब फिर मैं ये दूसरी इंस्ट्रक्शन दूंगा यू हैव एग्जैक्टली थर्टी सेकेंड टू राइट योर नेम विद योर लेफ्ट हैंड आप अपने उल्टे हाथ की तरफ से अपना नाम दस बार लिखिए थर्टी सेकेंड के अंदर सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ही आएगी ये हो ही नहीं सकता दूसरी रेजिस्टेंस की होगी कैसे करें तीसरे जो लोग कोशिश करने लगेंगे उनके टेढ़े होंगे

एक मुश्किल तरीन राह गुजर है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंजर गंदी जगह है। उसको प्लान करेंगे तब कुछ मॉडल डेवलप होगा आप उस पर सड़क बनाएंगे तब लोग रास्ता आने वाले लोग उसको यूज़ करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो अगर 10 बार आप स्मूथ हो जाएं, फिर आपका दिमाग उससे अलाइन हो जाए आप रिकग्नाइज कर जाएं और आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें या आने वाले वर्स कम वर्स्ट सिचुएशन को भी ध्यान में रखें कि ये आपके अभी तो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में दो हाथ अगर खुदा न खास्ता जंग में या किसी वजह से या एक्सीडेंट में आपका एक हाथ हाथ चला जाता है तो दूसरे हाथ के साथ लिखने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए तो जब हम ये सोचते ही नहीं है कि अगले आने वाले वक्त में क्या होगा तब हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या नए इनिशिएटिव लेने अगर हम ये सोच लें वर्स्ट कम वर्स्ट भी हो सकता है और अच्छे से अच्छा भी हो सकता है लेकिन हमारा दूसरे हाथ को भी उसी तरह लिखना चाहिए अगर जब हम ये सोच लेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं आएगी यही सबसे बड़ी एग्जाम्पल है चेंज की अब अगर देखते हैं तो पीटर ड्रकर सार कहते हैं कि सक्सेसफुल इनोवेशन प्रैक्टिस हार्डवर्क वो कहते हैं कि इनोवेशन के साथ एक खास फ्रेमवर्क की जरूरत है एक खास अपॉर्चुनिटीज को ड्राइव करने की जरूरत है और अपॉर्चुनिटीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और डिफाइन वो कैसे होंगे उनके ट्रेड्स के साथ

और इन्होंने बेशुमार केस स्टडीज आपके सामने रखी हैं जो इन्होंने प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल डेवलप किए हैं अच्छा मल्टी कंपनीज भी इनके केसेस में आती हैं मसलन एंटरप्रेन्योर्स के ट्रेट नंबर वन रिस्क टेकर फ्लेक्सिबल नॉलेजेबल इंडिपेंडेंट एनर्जेटिक क्रिएटिव डायनामिक लीडर रिस्पॉन्सिव टू सजेशन और क्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर मुझे क्रिटिक सहना नहीं आती तो मैं कभी भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता हर चीज की हर फॉर्मेशन की हर डिजाइन की हर मॉडल की अलग जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी के मॉडल में जाते हैं आप कहेंगे मैं अपने अंदाज से चलूंगा ये रिजिस्ट कर रहे हैं आपकी ईगो आपको तंग कर रही है आप उनसे पूछिए उनका माहौल क्या है फिर आप अपना डिजाइन लेकर आइए दोनों को सिंक्रोनाइज कीजिए आपकी यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं आएगी अगर आप क्रिटिसिज्म में उलझे जाएंगे आप कभी भी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे देन इज रिसोर्सफुल इनिशिएटर परसिस्टेंट परसिस्टेंसी 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 पीटर ड्रकर साहब की पूरी फिलॉसफी को भी देखें और एंटरप्रेन्योर की फिलॉसफी को भी देखें उसमें यो ये है कि कंसिस्टेंसी जो है इट इज द की टू एंटरप्रेन्योरशिप मसलन आपने जमीन के अंदर से गड़ा खोदना है, आप खोदते चले जाएं चाहे वो सात दिन में पानी निकले दस दिन में निकले दो हजार दिन में निकले लेकिन आप मुसलसल कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा कोते जाएं एक दिन पानी जरूर निकलेगा नाउ दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप पीटर टकर साहब कहते हैं कि आपने अपने चेंज को साथ के साथ एक्सप्लोर करना है एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट्स को थैंक यू वेरी मच